ए कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 3 days. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 2 days एंड ए कंटिन्यू टू वर्क इन हाउ मेनी डेज वॉज द एंटायर वर्क कम्प्लीट. ए किसी काम का 40% 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 30% 3 दिन में कर सकता है. तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने काम जारी रखा. पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हुआ? तो देखो, ए करता है 40% काम, 40% काम करता है कितने दिन में? 6 दिन में. बच्चों 40% 6 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा? 100% मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ये हो जाएगा 6 × 100 अपॉन क्या कर देंगे 40, है ना. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 upon 40 मीन्स 2.5, तो 1 0 1 0 कर 60/4 मतलब 15 दिन. मतलब ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में. इसी तरीके से बी 30% वर्क करता है कितने दिन में? 3 दिन में, है ना, 3 दिन में. तो पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 100/30 होगा. तो कितना आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, 10 डेज आ जाएगा. मतलब ए किसी काम को करता है 15 डेज में, ए करता है पूरा काम 15 दिन में, बी करता है पूरा काम 10 दिन में. दोनों का एलसीएम आ गया 30, और जो एलसीएम आता है इसको बोलते हैं टोटल वर्क. क्या बोलते हैं? टोटल वर्क. कुल काम है 30, 30 यूनिट टोटल वर्क है. ये 15 दिन में काम करता है तो 1 दिन में 2 यूनिट, ये 10 दिन में 30 काम करता है, इसका मतलब 1 दिन में 3 यूनिट. कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया. 2 दिन बाद छोड़ा मतलब 2 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है, तो 1 दिन में दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? 2 और 3 5, 5. तो 2 दिन में कितना काम हो गया बच्चों? 2 डेज में 5 × 10 काम हो गया, 10 काम हो गया तो 2 दिन में. तो बाकी काम कितना बचा? बाकी काम बचा होगा आपका, रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 30 में से 10 हटा दो तो 20. अब काम कौन छोड़ गया है? बी ने काम छोड़ दिया था, मतलब ये बाकी जो काम बचा है 20, वो कौन पूरा करेगा? ए. और ए एक दिन में कितना काम करता है? 2. तो 20 काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे? 20/2 मतलब 10 दिन और लगेंगे. कितने दिन? 10 दिन और लगेंगे काम खत्म होने में. तो कुल दिन कितने लगे? 2 दिन बच्चों, ये काम हो चुका है, 10 दिन और लगेंगे, तो 10 और 2 12 दिन. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिन. तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 12 डेज में. क्लियर है ना? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये. एक बार फिर से देखते हैं. ए 40% वर्क करता है 6 दिन में, 40% काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में. तो 100% काम मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 × 100/40 सॉल्व करेंगे 15 दिन में. मतलब ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में. इसी तरीके से बी 30% काम कितने दिन में करता है? 3 दिन में. तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 3 × 100/30 मतलब 10 दिन में. मतलब ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी करता है 10 दिन में. तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 30. पूर्ण और 30 जो आया, जो एलसीएम आता है इसको टोटल वर्क मानते हैं. तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 30. ए 15 दिन में 30 काम करता है, इसका मतलब 1 दिन में 2 काम करेगा. बी 10 दिन में 30 काम करता है, इसका मतलब 1 दिन में 3 काम करेगा. अब क्वेश्चन में बोला गया 2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया. दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम होगा? 2 और 3 5. 1 दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम हो गया ना. 30 में से 10 काम हो गया, तो शेष काम रिमेनिंग कितना बचा? 20 काम बचा होगा. अब 20 काम कौन करेगा? बी छोड़ गया तो ए को करना पड़ेगा. और ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 2. तो 20 काम करने में 10 दिन इसको और लगेंगे. तो कुल दिन पूछे गए. देखो 2 दिन पहले काम हो चुका है, 10 दिन और लगेंगे. तो काम खत्म होने में एंटायर मतलब टोटल कितने दिन लगेंगे? काम पूरा होने में, एंटायर वर्क को कंप्लीट होने में, पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे? 2 और 10 12 दिन. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा? 12 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है. क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 7 to 10 ये डीआई का क्वेश्चन है. द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द 5 ईयर्स पीरियड 2014 to 2018. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. दिया गया दंड आरेख 5 वर्ष की अवधि 2014 से 2018 के दौरान किसी कंपनी के राजस्व
और व्यय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, हम दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए जो लाइट ब्लू है ये रेवेन्यू मतलब राजस्व है, राजस्व कितना आता है, और ये क्या है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च मतलब व्यय, और ये अलग अलग साल दिए हैं, ठीक है। ये 2014 है, क्लियर। 2015, 2016, 2017, 2018 इस तरीके से दिया, और इस पर आधारित होंगे क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस डीआई पे पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2014, क्लियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2015 एंड 2018 टू दैट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर इन 2014 एंड 2018। कह रहा है 2015 और 2018 में कंपनी के कुल राजस्व, 2015 और 2018 में कंपनी का कुल राजस्व देखो। 2015 में रेवेन्यू मतलब लाइट ब्लू देखना है, 2015 में रेवेन्यू कितना था बच्चों 300, 2018 में रेवेन्यू कितना है 375, तो 300 375 टोटल कितना हो गया 675 हुआ ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तथा 2014-2018 में उसके कुल व्यय, 2014 और 2018 में उसके कुल व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मतलब डार्क वाला देखना है, तो 2014 में डार्क वाला कितना है 225, 225 प्लस 2018 में देखिए कितना है 300 है ना, तो टोटल कितना हो गया 525। अब इन दोनों का हमें अनुपात बताना है, तो 675 और 525 का अनुपात बताना है, तो दोनों नंबर 25 से डिविजिबल है, 25 से डिवाइड कर दो। तो देखो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50, 17 बचेगा 175 हो जाएगा, 25 7 175। अब इधर क्या हो जाएगा 25 दूना 50, 25 से कम 25 है ना। अब ये दोनों नंबर्स फिर से 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 9 27 3 7 21, तो 9:7 और 9:7 देखिए कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर है ना। बहुत अच्छा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2017 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू इन 2014-15 एंड 2016। कह रहा है वर्ष 2017 में कंपनी का व्यय, वर्ष 2014-15 और 2016 में औसत राजस्व से कितने प्रतिशत कम है। तो 2017 में कंपनी का एक्सपेंडिचर देखो कितना है, 2017 में कंपनी का एक्सपेंडिचर मतलब डार्क वाला देखना है, तो ये नंबर क्या दी है 275, ये आ गई नंबर। फिर कह रहा है 2014-15 और 16 में औसत राजस्व मतलब रेवेन्यू की बात कर रहा है, रेवेन्यू मतलब लाइट ब्लू देखना है, तो यहाँ पर कितना है 260 है। फिर यहाँ पर 2015 में कितना है 300 है। फिर 2016 में कितना है बच्चों ये 340 है, सभी को ऐड करो कितना हो गया 340 और 260 600 603 900 है। अब इसका एवरेज भी लेना है, तो 900/3 मतलब कितना आ गया 300। तो कह रहा है कि ये जो 275 है वो 300 से कितने प्रतिशत कम है, तो 275 जो है बच्चों वो 300 से कितना कम है 25 कम है, कितने पर 300 पर, 300 से कितना कम है, तो 25 बेस में क्या आएगा 300 इंटू क्या कर देंगे 100, सॉल्व करेंगे 2 0 2 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 3 8 24, 1 बचेगा 1/3 8 1/3%, और 8 1/3 कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने किस तरीके से जैसे बोल रहा है क्वेश्चन बस उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है और हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2014 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फ्रॉम 2016 to 2018 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू फॉर द 5 ईयर्स पीरियड। वर्ष 2016 से 2018 तक कंपनी का कुल व्यय, 5 वर्ष की अवधि के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो देखो 2016 से 2018 तक कंपनी का टोटल व्यय देखना, व्यय मतलब डार्क वाला, 2016 से 2018 मतलब 2016 17 और 18, तो डार्क वाला यहाँ पर कितना है 320 प्लस यहाँ पर कितना है 275 प्लस यहाँ पर कितना है 300, सभी को ऐड करेंगे कितना हो गया देखो 0 और 5 5 2 279
नाइन, तीन तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, 895 हो गया। फिर कह रहा है पाँच वर्ष की अवधि के दौरान कुल राजस्व का, पाँच वर्षों में यहाँ से यहाँ तक रेवेन्यू देखो टोटल, तो यहाँ पर रेवेन्यू कितना है 260 है, 260 प्लस यहाँ पर रेवेन्यू कितना है 300 है, प्लस यहाँ पर कितना है 340 है, प्लस यहाँ पर रेवेन्यू कितना है 350 है, प्लस यहाँ पर कितना है 375 है, सभी को ऐड करो कितना हुआ, ये आ जाएगा आपका 5 और ये 6 एंड 4 10, 10 5 15, 15 एंड 7 25, 2 2 2 4 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 3 16 ये है, ये आ गया 1625। तो कह रहा है कुल राजस्व का ये जो पहली वाली नंबर है इसका लगभग कितना परसेंट है, तो 895 जो है वो 1625 का, 895 1625 का कितना परसेंट है अप्रॉक्सीमेट बताना है। एक काम करते हैं 25 से डिवाइड कर लो, 25 चौको 100 हो गया, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 छक्का 150 हो गया, 12 बचेगा 125, 25 पंचे 125 हो गया, क्लियर है। अब ये ऊपर कितना बन जाएगा, 4 पंचे 20 मतलब 2 4 9 36, 2 38, 3 4 8 32, 3 35, 3580 डिवाइडेड बाई 65 है ना, 5 से और डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 13, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 35 और 16, 716 कितना आ गया 716 बटे 13, 13 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करेंगे 716 तो कितना आ जाएगा 13 पचे 65 है ना, कितना आ गया बच्चों 6, 13 पचे 65 55% के आसपास आ जाएगा, तो नियर अबाउट कितना आ रहा है 55% और पूर्णांक निकटतम पूर्णांक में पूछा गया है तो कितना आ गया 55%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों 55%, क्लियर है ना, क्या किया गया पूरा समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेवेन्यूज एज कंपेयर टू दैट इन इट्स प्रीसीडिंग ईयर्स इज बिटवीन 5% एंड 8%, किस वर्ष में राजस्व में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में 5% और 8% के बीच है, राजस्व में देखना है, राजस्व मतलब हल्का वाला कलर, पिछले वर्ष की तुलना में जैसे हम इसको और इसको देखें तो ये 260 है, 260 है और ये 300 है, 260 से ये 300 हो गया, 260 से 40 बढ़ गया और 40 जो है वो 260 का कितना होता है, ये 10% से ज़्यादा हो जाएगा है ना, फिर यहाँ 300 है ये 340 हो गया, 300 ये 40 बढ़ा और 40 जो है 300 का कितना परसेंट होता है, ये भी 10% से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर 340 है ये 350 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 340 से 350, 10 बढ़ा 340 पे, 10 बढ़ा 340 पे, 340 का जो है वो 10 कितना परसेंट बनेगा, ये 5% से भी कम बन जाएगा भाई, 340 ये 350 से 10 बढ़ा और 10 जो है वो 340 का कितना परसेंट होता है, देखो 10 बटे 340 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 1010 कैंसिल, 100 बटे 34 मतलब 3% के आसपास आएगा, तो ये 5 से भी कम हो गया, जबकि बोल रहा है 5% से ज़्यादा होना चाहिए, 8% से कम होना चाहिए। अब आगे देखो तो 350 से 375 है, यहाँ 25 बढ़ा, 25 बढ़ रहा है कितने पर 350 पर, तो ये इंटू क्या कर लो 100, तो 50 दूनी 100, 50 7, 25 दूना 50 बटे 7 आ गया और 50 बटे 7 मतलब 7% के आसपास आ जाएगा, 749 होता 7% के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, और यही पूछ रहा है 5 से 8 के बीच में होना चाहिए, तो 5 से 8 के बीच में आ रही है नंबर कि नहीं आ रही है, 7% क्या है, 7% जो है वो 5% और 8% के बीच के नंबर है, तो इसका मतलब यही सही आंसर होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सन 2018 सन 2018 ही वो वर्ष है जहां पर पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो 5% और 8% के बीच मतलब 7% है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 2018। तो ये डीआई के चारों क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे। चले अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फेनेज ऑन द डे ऑफ डोनेशन, सी चेंज्ड हर डिसीजन एंड डोनेटेड
अ सम ऑफ रुपीज 4800 विच वॉज इक्वल टू 80% ऑफ वॉट सी हैड डिसाइडेड अर्लियर, वॉट इज 27% ऑफ मंथली इनकम। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% क्या है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि उसकी जो मासिक आय थी, टोटल आय थी वो कितनी थी, एक्स थी। इसका उसको 12% क्या करना था, दान करना था। 12% मतलब 12/100। लेकिन जब दान करने की बात आई, जिस दिन दान करना था, डोनेट करना था, उस दिन उसने सोचा कि अब वो टोटल का मतलब एक्स का 12% डोनेट नहीं करेगी, जो भी उसका टोटल था उसका 80% डोनेट, 80% के अकॉर्डिंग डोनेट करेगी। मतलब वैसे तो उसको इतना डोनेट करना चाहिए था, लेकिन उस दिन फैसला बदल लिया और कितना डोनेट किया, 80%। मतलब जितना डोनेट करने का निश्चय किया था उसका 80%, तो इसका 80% 80 अपॉन क्या हो गया, 100 हो गया। और इस तरीके से जो डोनेशन दिया उसने वो कितना दिया, 4800 रुपये। तो ये इक्वल हो जाएगा 4800 के। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 10 कैंसिल, 8 से डिवाइड करो, 8 × 6 600 हो गया ना, क्लियर। अब 12 से और डिवाइड कर लो तो कितना, 12 × 5 = 60 50 आ गया, आ गया। अब 100 × 10 क्या होता है, 1000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 × 1000 कितना हो गया, 50,000। इट मीन्स उसकी जो मंथली टोटल इनकम थी वो कितनी थी बच्चों, 50,000। ये हमें पता चल गया। तो कह रहा है उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा, तो अब इसका 27% निकालना है, तो 50,000 का 27%, 27/100 कर दो, 27/100, तो 2020 कैंसिल, 27 × 5 = 135 और 20 हो गए, तो इस तरीके से कितना हुआ, 13,500 रुपये। और 13,500 रुपये देखिए कहाँ पर दिए, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर है, गॉट इट। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने ये लेट कर लिया कि सुधा की जो टोटल इनकम थी वो क्या थी, एक्स थी। इसका 12% उसको डोनेट करना था, मतलब एक्स का 12/100 लेकिन बाद में उसने डिसीजन बदल लिया और उसने ये डिसाइड किया कि वो टोटल का 12% नहीं डोनेट करेगी, उसका 80% का डोनेशन देगी, ठीक है। तो मींस जितना भी निश्चित किया था उसका 80% डोनेट किया, तो इतना निश्चित किया था दान देने के लिए, लेकिन फैसला बदल जाने से उसका 80% डोनेट करेगी, तो 80/100 कर दिया। और फाइनली कितना डोनेट किया, 4800। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ये इक्वल होगा 4800 के। बस इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, मतलब उसकी टोटल इनकम क्या थी, 50,000 रुपये थी। और तो कह रहा है उसकी मासिक आय का 27%, तो 50,000 का 50,000 का 27% हमें काउंट करके बताना था, तो 50,000 का 27% कितना होगा, 13,500, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इन ट्रेंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी इक्वल 87 डिग्री, एंगल सी इक्वल 42 डिग्री, देन वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण बी ए डी इक्वल हाफ ऑफ कोण ए डी सी, और कोण बी ए सी इक्वल 87 डिग्री, कोण सी बराबर 42 डिग्री। तो कह रहा है कोण ए डी बी की माप क्या है। देखिए एक ट्रेंगल है ए बी सी, ये इस तरीके से ट्रेंगल है ए बी सी, है ना बच्चों, ए बी और ये सी। कह रहा है इस पर डी कोई पॉइंट है, बी सी पर कोई डी पॉइंट है, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट क्या ले लिया डी, कि बी ए डी इक्वल बी ए डी, बी ए डी मतलब ये जो एंगल है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी मतलब इस एंगल का हाफ है। मीन्स अगर ये एंगल 2θ है तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ऐसे समझ लो। ये एंगल अगर 2θ है तो ये इसका आधा है थीटा है। बी ए सी इक्वल 87 दिया है, बी ए सी, बी ए सी ये पूरा एंगल कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 87 डिग्री दिया है ना, क्लियर। एंगल सी इक्वल 42 डिग्री और ये एंगल कितना दिया है, 42 डिग्री, क्लियर। तो कह रहे हैं ए डी बी की माप क्या है, ए डी बी ये वाला एंगल बताना है। देखो
बच्चों ये पूरा एंगल कितना दिया 87, ये दिया है 42, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 180 में हम ये 87 और ये 42 हटा दे तो एंगल बी आ जाएगा, तो एंगल बी इक्वल कितना आ जाएगा 180 माइनस 87 प्लस 42, ये माइनस कर दो कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 729 8412 129 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 51 डिग्री। मतलब ये एंगल हमें पता चल गया कितना है 51 डिग्री है। अब ये 51 है और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल हमसे पूछा गया है। चले एक काम करते हैं, ये आ गया आपका 51, ये 2 थीटा है और ये कितना है, देखिए ये आपका 51 आ गया और कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। ये आ गया 51, ये दिया है पूरा 87 हो गया, ये पता चल गया है और ये आपका थीटा है, ये 2 थीटा है। एक काम करते हैं, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में लें तो 51 और थीटा ये इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा 51 प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2 थीटा, है ना। देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में ये क्या बन रहा है हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो इंटीरियर एंगल क्या है 51 है, ये थीटा है, ये वाला थीटा है कि नहीं है, तो 51 प्लस थीटा इक्वल क्या हो गया 2 थीटा, ये उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 51 इक्वल क्या बन जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 51। तो ये एंगल हमें पता चल गया, ये एंगल कितना है 51, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना आ गया 51 डिग्री। अब बच्चों ये 51 है, ये भी 51 है, अब इस त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो 180 में अगर हम ये वाला 51 और ये वाला 51 हटा दें तो ये एंगल आ जाएगा, इट मींस एंगल ADB, सो एंगल ADB इक्वल क्या हो जाएगा, ADB इक्वल हो जाएगा 180 में हम क्या करेंगे 51 प्लस 51 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 180 में कितना माइनस हो जाएगा 51 और 51 102 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 78 डिग्री। इसका मतलब एंगल ADB जो है वो कितना है 78 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए कह रहा था ये जो एंगल है, ये एंगल वो इस एंगल का आधा है, मतलब BAD ये वाला एंगल जो था वो इस एंगल का ADC का आधा था, तो इसको 2 थीटा ले लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। फिर कह रहा था कि ये एंगल A जो है पूरा ये 87 है और एंगल C 42 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब 180 में अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण हटा दें तो ये वाला आ जाएगा, तो एंगल B इक्वल कितना आ गया 180 में 87 और 42 हटा दिया तो एंगल B की वैल्यू 51 आ गई। अब ये हमारा 51 है, अब इस त्रिभुज को ऐसे देखो इस तरीके से, तो अगर इस त्रिभुज को देखो तो ये इस तरीके से लाइन अगर आगे जा रही तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनेगा और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, मींस ये 51 और ये थीटा इन दोनों का सम इस एंगल मतलब 2 थीटा के इक्वल होगा, तो 51 प्लस थीटा इक्वल 2 थीटा, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 51 डिग्री, मींस ये वाला एंगल हमें 51 पता चल गया। अब इस त्रिभुज में ये एंगल 51 है, ये 51 है, ये पूछा गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो फिर से 180 में अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हटा दें तो ये एंगल मतलब ADB आ जाए कि नहीं, तो एंगल ADB इक्वल कितना हो जाएगा 180 में 51 और 51 हटा दिया, मींस 102 हट जाएगा तो 78 बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर थीटा इज लेस 0 डिग्री इज लेस देन टू थीटा इज लेस देन टू 90 डिग्री, मतलब थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो कह रहा है sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k, तो k की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, चले देखते हैं। sec थीटा ये है आपका sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा
अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या है बच्चों, 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। क्लियर है? ठीक, ब्रैकेट खोलो जरा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा, sec थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो बनेगा। और आगे इसको ऐसे लिख दो, ये बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, हो गया, अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हुआ इक्वल 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। सही है ना? चलिए, ये हो गया आपका बच्चों sec थीटा माइनस, sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही होगा ना। और ये sec थीटा प्लस tan थीटा, जैसे लिखा वैसे लिख दो, अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। बच्चों साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, हो गया इक्वल 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। अब इससे बच्चों देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, ये sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। अब बच्चों ये देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा में यहाँ tan थीटा ऐड करके लिखा, फिर sec थीटा में tan थीटा माइनस करके लिखा, बीच में रेशियो है, तो ये योगांतर अनुपात से, योगांतर अनुपात से डिविडेंडू एंड कंपोनेंट डू रूल, डिविडेंडू एंड कंपोनेंट डू रूल पीछे आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा है, तो योगांतर अनुपात से क्या हो जाता है, एक्स अपॉन वाई, मतलब एक बार वही चीज जुड़ के आती है, एक बार वही चीज माइनस होकर आती है, बीच में रेशियो होता है, तो योगांतर अनुपात से ये चीज क्या बन जाएगी, x अपॉन वाई, मतलब sec थीटा अपॉन tan थीटा। तो यहां पे बन जाएगा sec थीटा अपॉन tan थीटा, बन गया योगांतर अनुपात से। और वही रूल यहां लगा देंगे, तो एक बार ये ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस के प्लस 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के हो जाएगा। भाई एक बार इस चीज को यहां पर इसमें इसको एक बार ऐड कर दिया, और नीचे एक बार इसमें से इसको क्या कर दिया, घटा दिया, तो ऊपर देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, sec थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल क्या हो गया बच्चों, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 2k, ये आया, तो ये आ जाएगा फाइनली, उल्टा कर देंगे या 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा sec थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 अपॉन k, तो इससे k की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, इससे k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan थीटा अपॉन sec थीटा, हो गया। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, अपॉन sec थीटा अपॉन sec थीटा, तो अपॉन क्या हो गया, 1 अपॉन cos थीटा, अभी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, sin थीटा अपॉन 1, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, sin थीटा, और sin थीटा देखो कहां पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक एक सिस्टमेटिक वे में चले, और कितने बड़े, बस यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, योगांतर अनुपात लगा लिया है, योगांतर अनुपात के यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं x अपॉन y, अगर योगांतर अनुपात लगाएंगे तो क्या बन जाता है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का रेशियो, तो वही लिखा है, देखो x प्लस वाई नीचे x माइनस वाई, तो इसके द्वारा ये क्या बन जाएगा, x अपॉन वाई, मतलब sec थीटा अपॉन cos tan थीटा,
इससे हम योगांतरण पद से ये ले आ सकते हैं, या अगर इस फॉर्म में लिखा तो इससे ये बन जाता है। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल क्या बन जाता है योगांतरण पद से, ये कौन सा रूल है, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात नियम, है ना, योगांतर अनुपात इंग्लिश में कहते हैं, डिविडेंड एंड कंपोनेंट डू रूल, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो देखा कितना बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। चले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9:5। इफ इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, 5% नहीं, इसको सही कर लो, ये है बच्चों यहाँ पर 5:3 है, और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी की व्यय की दोगुनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या, देखो ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है 5:3, ए की, ए और बी की आय का अनुपात, ये ए है और ये बी है ना, मींस ए की आय है 5 तो बी की आय क्या है 3, ये इनकम की बात हो रही है, इनकम ए की इनकम 5 तो बी की इनकम 3। फिर कह रहा और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है और एक्सपेंस मतलब खर्च का अनुपात कितना है 9:5 है, क्लियर है, मींस इनका खर्च 9 है तो इनका खर्च क्या है 5 है। फिर कह रहा है यदि ए की आय बी के व्यय की दोगुनी है, ए की आय जो है वो बी के व्यय की दोगुनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। चले एक काम करते हैं, ए की जो आय है इसको करते हैं एक्स और ये 3x है ना, ये करते हैं वाई और ये वाई, क्लियर। तो कह रहा है ए की जो आय है मतलब 5x वो बी की, बी के व्यय की दोगुनी है, बी का व्यय कितना है 5y, ए की जो आय है मतलब 5x ये बी के व्यय, बी का व्यय कितना है 5y, इसका दोगुना है मतलब 5x इक्वल है 2 × 5y, क्लियर है ना। तो इससे 5 से 5 कैंसिल, मींस x इक्वल क्या आ गया 2y, x इक्वल क्या आ गया 2y। तो कह रहे हैं ए और बी की बचत का अनुपात क्या है, तो ए की बचत क्या होगी बच्चों, ए की बचत क्या होगी, ए की इनकम है 5x और इसका खर्च कितना है 9y, तो ए की बचत, ए की जो सेविंग है वो कितनी होगी, ए की सेविंग्स होंगी, ए की सेविंग्स होंगी 5x - 9y, 5x - 9y। अब 5x y, x की वैल्यू 2y है तो 5 × 2y रखेंगे कितना होगा 10y, 10y माइनस 9y मतलब कितना आ गया y, तो a की बचत कितनी आ गई y। अब b की बचत देखो कितनी है, b की सेविंग्स कितनी हो जाएगी, b की सेविंग्स कितनी हो जाएंगी 3x - 5y, 3x - 5y है ना, और x की वैल्यू 2y रखेंगे तो 3 × 2 = 6, 6y - 5y, तो यहां पे कितना आ गया y आ गया। तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है, ए की भी बचत वाई है, बी की भी बचत वाई है, तो रेशियो क्या बनेगा, वाई रेशियो वाई मतलब 1:1। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन, बात समझ में आई ना बच्चों, हमने क्या काम किया है, ए की जो इनकम है और बी की इनकम, इनका रेशियो क्या है 5:3, मतलब ए की इनकम अगर 5x है तो बी की इनकम क्या है 3x। फिर इनके खर्चों का अनुपात 9:5 दिया है, मतलब ए का खर्च अगर 9y है तो बी का खर्च क्या है 5y। फिर आगे कंडीशन लगाई गई थी कि ए की जो आय है बी के व्यय का दोगुना है, ए की आय मतलब 5x, बी का व्यय मतलब 5y, तो 5x जो है वो इसका दोगुना है 5y का 2 times, तो 5x इक्वल 2 × 5y, 5 से 5 कैंसिल मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2y। तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना था, तो ए की बचत क्या होगी, ए ने जितना कमाया उसमें से खर्च हटा दो तो ए की बचत क्या होगी 5x - 9y। अब x की वैल्यू 2y रखेंगे तो 5 × 10y हो जाएगा 10y - 9y, मतलब y। इसी तरीके से b की बचत क्या होगी 3x - 5y, तो x की वैल्यू 2y रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 6y - 5y y।
ए की भी सेविंग्स क्या है वाई, बी की भी सेविंग्स क्या है वाई, तो वाई रेशियो वाई मतलब 1:1। तो इस तरीके से दोनों की बचत का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1:1। तो ये था क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अब देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है।